नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मीठी तड़का में। आज मैं आपके साथ बैंगन का भरवा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बना है। एक बार आप इस स्टाइल से बनाकर देखिए, यकीन मानिए आप बार बार इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने 5 बैंगन लिया है। बैंगन बिल्कुल छोटे छोटे हैं। आप जब भी बैंगन का भरवा बनाए तो छोटे छोटे और बिल्कुल सॉफ्ट बैंगन ले, जो अंदर से भी सॉफ्ट हो और बाहर से भी सॉफ्ट हो। इसे मैंने पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है, जो पीछे से जॉइंट है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा नींबू का रस लेंगे और आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम बैंगन के कट्स में अच्छी तरह से लगा देंगे, ताकि बैंगन जो है बिल्कुल टेस्टी बने। चलिए अब मसालों की तरफ चलते हैं। मसाले में हमने 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है, 10 से 12 हरी मिर्च ली है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच सरसों के दाने लिए हैं। इन सब का एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। 3 टमाटर लिया है, इसका भी हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। तो चलिए चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें बैंगन को कढ़ाई में फ्राई कर लेना है। बैंगन हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि बैंगन ऊपर से क्रंची ना हो जाए और अंदर से सॉफ्ट ना हो जाए। बैंगन हमारा लगभग फ्राई हो चुका है, बिल्कुल इसी टेक्सचर में हमें बैंगन को फ्राई करना है। अब हम इसे एक एक करके कढ़ाई से निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम वापस तेल डालेंगे और उसमें चिटकी भर मेथी के दाने डालेंगे और चिटकी भर सरसों डालेंगे। इसे अच्छी तरह से भून देंगे और भूनते के साथ हमें मसाला को डाल देंगे। डालने के बाद जस्ट उन ढक देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों से तेल ना छोड़ने लगे। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मसालों से तेल छोड़ने लगी हैं। अब हम इसमें एक एक करके बैंगन को सावधानी के साथ डालेंगे, ताकि बैंगन जो है टूटे नहीं, और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि बैंगन के अंदर तक मसाला चला जाए। ये देखिए, हो गया ना हमारा लाजवाब बैंगन का भरवा।